ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें भुगताल पर बैठना पड़ा। मैं गोपाल लाल जी से दोबारा अपील करूंगा कि वो ऐसी सांकेतिक भुगताल या धरना प्रदर्शन की जरूरत ना पड़े। जो हमारी मांग है वो इसे पूरा करें। जो फोटो वाले ब्रिज की बात है या रेड लाइट की बात है या स्कूल की बात है या समुदाय भवन की बात है, तो मैं कहना चाहूंगा गोपाल लाल जी से कि वो से जितनी जल्द हो सके यहाँ पे आकर कर्मपुरी में ऐलान करें कि भाई मैं इसको इतने टाइम में बनवा दूंगा। अगर वो इस पर ध्यान नहीं देते, नहीं बनवाते, तो फिर हमें मजबूरन दोबारा धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल हमें करना पड़ेगी। हम अपने इलाके में फोटो वाले ब्रिज और यहाँ पर रेड लाइट बनवा कर रहेंगे, स्कूल बनवा कर रहेंगे। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं वो बड़े शर्म की बात है। वहाँ के स्कूल बाहर वाले स्कूल वाले हमें ये कहते हैं, क्या तुम अपने इलाके में अपने मंत्री से क्या करे कि स्कूल नहीं बनवा सकते। जब हम समुदाय भवन के लिए बाहर जाते हैं तो हमें बड़ा किराया भरना पड़ता है। जो हमारे रिश्तेदार आते हैं बड़ा हमें कोसते हैं, भाई रहते तो हम यहाँ और गोकलपुरी के अंदर तुमने समुदाय भवन कर लिया या जनता कॉलोनी में कर लिया। तो भाइयों, हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाला मेहमान या हमारी पीढ़ी, हमारी जनरेशन वो परेशान हो। आज हम परेशान हैं तो हम गोपाल लाल जी से अपील करते हैं कि वो जितनी जल्द हो सके यहाँ पर आकर एक ऐलान करे। और जितने साथियों ने मेरे साथ सुबह से साथ दिया और यहाँ पर जिन हजरातों ने मुझे सुना, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और तुम्हारा इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोपाल लाल जी से मैं अपील करता हूँ जल्द से जल्द आकर वो ऐलान करें। हमारा उनसे कोई जाति मामला नहीं है और हम उनसे बस ये चाहते हैं कि हमारे इलाके के अंदर दो चार चीज़ें हैं कबीर नगर के अंदर, वो पूरी कर दो। चाहे तुम पूर्ण राज्य लो चाहे अधूरा राज्य लो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारे इलाके की समस्या उसे पूरा कर दो। क्यों भाई, ये मेरी सही है बात है गलत है? सही है भाई, सही है मेरी बात, सही है ना? तो भाइयों, मैं तो यही कहना चाहूंगा तुम पूरा राज्य ले लो, पूरी दुनिया ले लो भाई इधर से। जब भाई इधर से तो हमारे तो चार हैं, चार डिमांड है, वो पूरी कर दो हमारे इलाके की बस। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा जी, सलाम अलैकुम। बहुत बढ़िया बाबू, वहीं पियो।